हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग चार, पंचमह पाठ हास्यालाप, यानी कि जोक्स, हंसी की बात है। उनके बारे में जानते हैं, संस्कृत में कैसे जोक होते हैं, कैसे हंसते हैं, ये आप समझिए। हंसने स्वास्थ्य वृद्धि भाती, हंसने से क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है, अच्छा होता है। हंसना एक एक्सरसाइज है बच्चों, हंसना चाहिए। हंसना स्वास्थ्य वृद्धि अमूल्यम औषधि, हंसना हमारी स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक ऐसी दवाई के रूप में काम करता है कि जो अमूल्य है, जो बहुमूल्य है। अतः आगच्छन्तु साम, इसलिए चलिए आइए हम सब मिलकर हंसते हैं। देखो ये सब बच्चे स्माइलिंग फेस है, सब हंस रहे हैं। ये अधिकियम पठितुम इच्छन् पुत्रः पितरं पृष्टवान्, बेटा जो पढ़ाई करना चाहता था वो अपने पिता से पूछता है। दंत चिकित्सा अध्ययनत अधिकलाभ नेत्र चिकित्साभ्याय अध्ययनत वा, बेटे ने पिता से पूछा, पिताजी दांत की डॉक्टरी पढ़ाई करने में या आंखों की पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए। पिता जात्या स्वभावतः अपि वणिक आसीत, पिता जो है स्वभाव से भी और जाति से भी बनिया था, व्यापारी था। सह उक्तवान, उसने कहा, दंत चिकित्सा शास्त्रस्य अध्ययनत एवं अधिकलाभ, दांत की चिकित्सा कर पढ़ाई करना में अधिक लाभ है। तत् कथम, क्यों, बेटे ने कहा, कुतूहल वशात शीघ्र में पृष्टवान पुत्र, आश्चर्य से बेटे ने पूछा, क्यों दांतों की पढ़ाई करने से क्यों लाभ है। तो तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कहा, प्रतिजनम नेत्र द्वयमेव भवति दंतास्तु द्वात्रिंशत् भवति, पिता ने कहा आंख तो दो ही होती है पर दांत तो द्वात्रिंशत् 32 होते हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी दांत में तो दर्द होगा, तो बार बार डॉक्टर के पास आएगा, इसलिए तुम दांत की पढ़ाई करो। तो कितनी उसने हंसी की बात कही है बच्चों, क्योंकि दांत आंख तो दो ही है, एक होगी खराब दूसरी होगी, दो ही बार आएगा आदमी, और 32 दांत है तो 32 बार तो वो आएगा ही। तो वो क्योंकि व्यापारी था तो उसने कहा कि दांत की पढ़ाई ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि दांत तो 32 होते हैं, 32 दांतों में कोई कभी ना कभी तो आएगा। मम पति महोदय अति विस्मरणशील, दूसरी क्या बात बताई उन्होंने कि एक महिला ने कहा कि मेरे पति बहुत भूलने की बीमारी है उनको। आपणात् फलानी आने तू एकदा इत्यहम तमुक्तवती, किंतु एक बार उसने कहा अपने पति से कि बाजार से फल लाओ, सहतु वस्त्राणी आनी त्वान, वो वस्त्र ले आया। अपरा स्त्री स्वपत्यु विस्मरणशीलता विषय एवं कथित बनती, दूसरी पत्नी ने अपनी पति की भूलने वाली आदत के विषय में कहा, मम पत्यु विस्मरणशीलता तू इतो अपि होरा, मेरे पति की जो भूलने की आदत है वो तो इससे भी ज्यादा भयानक है। कैसी है, एकदा अपने माम दृष्ट्वा सह माम अपृच्छत, एक बार बाजार में मुझे देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, भगनी किम नाम भवत्या, बहन आपका क्या नाम है, भवती मया दृष्टपूर्वा इति भाति, मैंने आपको पहले भी देखा है। तो इसको देखकर आपको सुनकर हंसी आई, वो तो इतना ज्यादा भूल जाता था, उसने अपनी पत्नी को ही देखकर कहा कि बहन मैंने आपको पहले कहीं देखा है। तीसरा क्या है, एकस्य उद्यानस्य द्वारे फलके लिखितम आसीत, एक बगीचे में उसके द्वार पर लिखा था, उसके दरवाजे पर जो एंट्रेंस गेट होता है प्रवेश करने के द्वार पर लिखा हुआ था, उद्याने विहार है निशुल्क, बगीचे में घूमना निशुल्क है, पैसा नहीं लगेगा उसका। एतत् पठित्वा संतुष्ट कश्चन कृपणे उद्यानम प्रवेष्टुम उत्सुकः संजातः, ऐसा पढ़कर और बहुत संतुष्ट होकर एक कंजूस उद्यान में प्रवेश करने के लिए, बगीचे में प्रवेश करने के लिए तत्पर हो गया, तैयार हो गया। तस्मिन् क्षणे उद्यान पालक तस्य प्रवेशं निवार्यम उक्तवान, उसे अंदर जाने से रोका उस द्वारपाल ने और कहा, उस बगीचे को देखने वाला जो उद्यान पालक था उसने उसको रोक कर कहा कि पंच रुपये कानी दातव्यानी भवता प्रवेशार्थम इति, 5 रुपये प्रवेश करने के दीजिए। सह कंजूस कृपणे उवाच, उस कंजूस ने कहा, निशुल्क विहारे इति फलके लिखितमस्ति, ऐसा प्रवेश द्वार पर लिखा है कि प्रवेश की जो है घूमना निशुल्क है। उद्यान पालक चतुरासी, जो उद्यान का रखवाला था वो बहुत चालाक था, सह शांत स्वर ने अवदत, उसने शांत स्वर से कहा, अंतः विहार है तू निशुल्क एवं महोदय,
अंदर घूमना तो निःशुल्क है, प्रवेश है सशुल्क है, लेकिन प्रवेश करना शुल्क के साथ है। आपको प्रवेश तो 5 रुपए देकर ही होगा, अंदर आपका घूमना निःशुल्क है, वहां आपके पैसे नहीं लगेंगे। अब आपका चौथा, हमारी जो हास्य वार्तालाप है वो क्या है, नेता ने सभा को संबोधित किया और क्या कहा, सज्जना यदि भवन्तहि मां स्वमतहि विजयश्रीं प्रापयिष्यन्ति तर्हि अहं नगरमिदं स्वर्ग निर्मापयिष्यामि। कि सज्जनों, नेताजी ने क्या कहा अपने भाषण में, कि सज्जनों यदि आप मुझे अपने वोट से, अपने मत से विजयी बना देंगे तो मैं आपके नगर को स्वर्ग बना दूंगा। एक है श्रोता, श्रोता तदा तु सर्वे वयम स्वर्गवासी ने भविष्यामि। एक श्रोता ने कहा फिर तो हम सभी स्वर्गवासी हो जाएंगे, क्योंकि हम स्वर्ग में होंगे, फिर तो हम जब आप इसे स्वर्ग बना देंगे तो फिर तो हम सब स्वर्ग में हो जाएंगे। तो इस प्रकार इन्होंने ये हास्य विनोद किया बच्चों, और आपने देखा कि किस प्रकार हंसकर और एक अच्छा समय उन्होंने बिताया और हंसकर ये बातें हमें बताई। अच्छा लगा होगा आपको भी, आपने भी खूब इंजॉय किया होगा इसको। पाठ में आए हुए बच्चों कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जानते हैं। हंसने यानी कि हंसने से, आगच्छन्तु आइए, हसाम माने हम हंसे, वैद्यकीय माने औषध शास्त्र, इच्छन इच्छा करता हुआ, पृष्टवान पूछा, ताक पूज्य या पिताजी, दंत चिकित्सा अध्ययनतः दांतों की चिकित्सा के अध्ययन से, और अधिक लाभ है, अधिक लाभ है, नेत्र चिकित्सा अध्ययनतः नेत्र चिकित्सा के अध्ययन से, वा अथवा जात्या जाति से, स्वभावता स्वभाव से, वणिक माने बनिया या कंजूस, बनिए तो कंजूसी में ही आते हैं ना, कुतूहल वशात उत्सुकता के कारण, प्रतिजनम माने प्रत्येक मनुष्य के, द्वाविंशत 32, द्वात्रिंशत 32, विस्मरणशील है भूलने वाला, उक्तवती कहा, अनीतवान ले आया, अपरा स्त्री दूसरी स्त्री ने, भगिनी बहन, भवत्या आपका, दुष्टपूर्वा दृष्टपूर्वा पहले देखी गई, फलके यानी कि फट्टे पर, लिखितमासीत लिखा हुआ था, विहार घूमना, उद्याने उद्यान में, निःशुल्क मुफ्त, कृपण कंजूस, उत्सुक उत्सुक, संजाता हो गया, निवारण रोकता हुआ, प्रवेशार्थम प्रवेश के लिए, शांत स्वरेण शांत आवाज में, अंतः अंदर, सशुल्क फीस के साथ, स्वमतय अपने मतों से यानी कि अपने वोट से, विजयश्री सफलता। इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है अभ्यास कार्य, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, हसनम स्वास्थ्य वृद्धि की दशम औषधम, हंसना स्वास्थ्य की कैसी औषधि है, बहुमूल्य औषधि, हंसना स्वास्थ्य की अमूल्य औषधि है। दूसरा है, दंत चिकित्सा अध्ययनतः अधिक लाभ है, लेकिन नेत्र चिकित्सा अध्ययनतः वा, दंत चिकित्सा से अधिक लाभ है या नेत्र चिकित्सा से, तो क्या कहा उसने, दंत चिकित्सा दंत चिकित्सा अध्ययनतः दंत चिकित्सा से, दांतों की डॉक्टरी से अधिक लाभ है। प्रतिजनम कति दंता भवन्ति, प्रत्येक मनुष्य के कितने दांत होते हैं, द्वात्रिंशत। उद्याने विहारस्य शुल्के आसीत प्रवेशस्य वा, उद्यान में घूमने का शुल्क था या प्रवेश का, प्रवेशस्य, प्रवेश का था, क्योंकि उद्यान में घूमना फ्री था, निःशुल्क था, प्रवेश का 5 रुपए शुल्क था। विस्मरणशील पति अपना किम आनीतवान, भूलने वाला पति बाजार से क्या ले आया, वस्त्राणि आनीतवान, उसकी पत्नी ने क्या मंगाए थे, फल मंगाए थे, वो क्या ले आया, वस्त्र ले आया। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दंत चिकित्सा शास्त्रस्य डैश एव अधिक लाभ है, दंत चिकित्सा शास्त्रस्य अध्ययनतः एव अधिक लाभ। दूसरा है, आपणात् फलानि आनयतु इत्यहं तमुक्तवती किन्तु स तु वस्त्राणि आनीतवान्। थर्ड है, एतत् पठित्वा डैश कश्चन कृपणः डैश प्रवेष्टुम् उत्सुकः संजातः,
एतत् पठित्वा संतुष्टः कश्चन कृपणः उद्याने प्रवेष्टुम् उत्सुकः सञ्जातः। नेक्स्ट, हसनम स्वास्थ्यवर्धे अमूल्य औषधम। एक्सरसाइज नंबर 3 है बच्चों, सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। हसनेन वृद्धि भवति स्वास्थ्य धन या आयु की स्वास्थ्य। पिता जात्या स्वभावतः अति आसीत कुंभकार कलाकार या वणिक, वणिकता स्वभाव से वो निशुल्क विहार है इति लिखित लिखितमस्ति। निशुल्क विहार है किस पर लिखा था? श्याम पट पर, फलके पर या सूचना पट पर? फल फलक पर लिखा हुआ था वो, फट्टे पर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, संधि विच्छेद करना है। पहली संधि हमारी है दंतातु, दंता प्लस तु, दंतास्तु। ये संधि करनी है हमें, विच्छेद नहीं करना है, यहाँ पर संधि करनी है। कहचन कश्चन इति प्लस अहम इत्याहम, इति प्लस अपि इत्यापि, नी प्लस शुल्क निशुल्क, तस्मिन प्लस एव तस्मिन्नेव। तो इस प्रकार यहां हमने संधि करा इनका, इन शब्दों को जो ये विच्छेद था इनको हमने संधि करी इनकी। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, अर्थ लिखकर और संस्कृत में उनका वाक्य निर्माण करना है। जैसे हसनेन, हसनेन, हसनेन माने हंसने से, अर्थ क्या है? हंसने से। वाक्य प्रयोग क्या होगा? हसनेन स्वास्थ्य वृद्धि पृष्टवान, पूछा, सह तम पृष्टवान। हम छोटे छोटे वाक्य बना रहे हैं, हम जरूरी नहीं है कि सारे वाक्य वही बनाएं जो अभ्यास में है। जात्या जाति से, सह जात्या वणिक या कोई भी जाति आप लिख सकते हैं, ब्राह्मण है या कुछ भी, आसीत उक्तवती माने बोली, सा उक्तवती, आनीतवान लाया, सह आपणात वस्त्राणि आनीतवान। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें कि आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका से संस्कृत पे कोई हंसने वाला कोई ऐसा लेख, आपको कोई चुटकुला समझ में आता है, कोई ऐसी कहानी जिसमें कि हंसी हो, वो लिखकर अपने टीचर को दिखा सकते हैं। और ये कार्य आप अभ्यास कार्य की कॉपी में करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना कुछ हंसी मजाक किया और जाना कि हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी है और कैसे कैसे सबने अपने अनुभव बताए। उस महिला ने बताया कि उसका पति को भूलने की आदत थी, बहुत एंजॉय किया होगा आपने। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।